हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कुकिंग अमरीश में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीला बनाने जा रही हूँ, जो आलू से बनेगा, वो भी कच्चे आलू से। और ये इसके लिए हमें इस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ये शिमला मिर्च है, दो हमने छोटे टुकड़े लिए थे, और ये दो बीन्स हैं, कद्दूकस करी हुई हमारे पास आधी गाजर है और आधी ही प्याज है। अब हम इसको कच्चे आलू को कद्दूकस करेंगे। आपके पास अगर मोटा वाला है तो उससे आप ना करें, आप बारीक वाले से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनेंगे। ये मेरा बारीक कद्दूकस है, इससे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। हमने इसको पानी में इसलिए रखा है कि आलू के अंदर जो स्टार्च होता है, अगर हम इसे सूखा करेंगे कद्दूकस, तो वो काला पड़ जाता है बहुत जल्दी। पानी के अंदर डाल के करेंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा रहेगा। कितना फर्स्ट क्लास कद्दूकस हुआ है। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। हम एक सॉस बनाते हैं, जिसके लिए हमें एक चम्मच चाहिए मेयोनी, और दो चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर टमाटो केचप, और एक चम्मच हमें चाहिए अपनी चिली गार्लिक। ये जो चटनी है हमारी, इसको हम इसके अंदर मिलाएंगे। फर्स्ट क्लास हमारी सॉस तैयार हुई है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। ये हमारी तैयार है। हम इसको बहुत अच्छी तरह निचोड़ के डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि ज़रा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। बहुत कस कस के हम लोग इसको इस तरह डालेंगे, जितना हो सके हम दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे। हमने ये सारी सब्जियां जो काटी थी बारीक बारीक, हमने इसमें डाल दी है। इसके अंदर हमारे को एक चम्मच डालना पड़ेगा बेसन, दो चम्मच हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। इसे ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो इसे डालेंगे दो चम्मच चावल का आटा, एक हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे बारीक बारीक काट के, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डाल दीजिए, कम खाते हैं कम डाल दीजिए। अब हम इसको सारे को मिलाएंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक एक चम्मच डालेंगे, ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना है। इसके अंदर मैंने ज़रा सा भी पानी नहीं डाला है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह बाइंड हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे, अब हम सीधा इसको पकाने रखते हैं। तवे पे थोड़ा सा तेल डाला है एक चम्मच, और अब मैं ये डालती हूँ, इसको थोड़ा हाथ से पकाएंगे। ज़्यादा इसको पतला नहीं करेंगे, नहीं तो ये उठाने में दिक्कत होगी और टूट जाएगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएंगे ना ज़्यादा पतला करेंगे, बस ऐसे ही बनाएंगे। चारों तरफ थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत कम तेल में बनने वाला ये चीला है। इसको हम एक साइड करते हैं, हमारा तवा बड़ा है तो हम एक इस पर और बना लेंगे। छोटे छोटे बनेंगे तो दो तो बन जाएंगे। एक तवे पे दो बन सकते हैं आराम से ना, जो हमने साइज रखा है। इसको भून के लग दीजिए, गैस को हम स्लो मीडियम ही रखेंगे, ताकि इसके अंदर जो सब्जियां हैं, ऊपर से तो ये पक जाएगा लेकिन अंदर से जो हमारी सब्जियां हैं वो स्लो पे ही आराम से पकेंगी और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा होंगी।
आप इसको कभी भी आपको जैसे खाने का दिल है, हाँ भी चलो खाना नहीं खाना तो हम ये बना सकते हैं। किसी भी टाइम ऑल टाइम हमारे घर में आलू और ये सब्जियाँ पड़ी होती हैं तो हम बना सकते हैं। इसके लिए कुछ बाहर से स्पेशल कुछ चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं। और बच्चों को जैसे भूख लगती रहती है बार बार, तो बच्चे छुट्टियों में घर पे रहते हैं तो हम उन्हें ये बना के दे सकते हैं। ये दोनों हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, सीख चुके हैं अच्छी तरह। इनको हम निकाल देते हैं। आपको ये मेरा आलू का चीला कैसा लगा? अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो जो कि झटपट बहुत ही स्वादिष्ट कम समय में तो थोड़े सी सब्जियों के साथ बनने वाला चीला आपको कैसा लगा आप बताइए। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।